हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हिमेश राठौर, और आज मैं बताने वाला हूँ अपना इग्निस का ये रिव्यू होने वाला है। लगभग 7,500 किलोमीटर मैंने चला दिया इसको। तब इसका प्रो एंड कॉन्स ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या प्रो हैं और क्या क्या कॉन्स हैं। तो वैसे अगर हम इसके लुक की बात करते हैं तो लुक तो किसी किसी को तो खैर पसंद नहीं आता है, किसी को पसंद भी आता है। जब गाड़ी ली थी तब तो लेने से पहले मुझे भी ये लगता था कि यार इसका पीछे से बहुत लुक, जैसे फ्रंट से तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली फ्रंट से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे चाहिए ही मिनी, मतलब कि एक मिनी कार ही चाहिए थी छोटी, जो कि मैं मतलब सिटी में चला सकूँ यूज के लिए। अब बैक से जो होता है वो कई लोगों को पसंद नहीं आता, कई लोगों को आता भी है, पर मुझे भी पर्सनली बैक से लगता है कि हाँ थोड़ा सा और अट्रैक्टिव होना चाहिए था बैक से। फ्रंट से अच्छा लुक है, फ्रंट से मुझे पसंद आता है, बाकी लुक तो सब्जेक्टिव है, कोई किसी को पसंद आता है और किसी को नहीं आता। बाकी उसके बाद अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी पे तो बात करना ही, अब क्या कहें। अभी अभी तो इसका एनकैप रेटिंग आया है, वो भी जब लिया था तब 3 स्टार था, अब जो नया एनकैप रेटिंग आया है तो वो 1 स्टार है। तो हाँ, अगर हम कहें कि इसका बिल्ड क्वालिटी तो हल्की है, जो कंपटीशन में है टाटा महिंद्रा उनके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन हाँ मारुति की दूसरी गाड़ियों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है हाँ थोड़ी बेहतर है उनसे, थोड़ी ही बेहतर कहूँगा। जैसे मैं अगर कहूँ सिलेरियो है या स्विफ्ट है तो उनसे हल्की बेहतर है ये। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं इसमें कि बैठने की और उतरने की, तो आसान है, एक नॉर्मल हाइट का बंदा आराम से बैठ सकता है, आराम से उतर सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। थोड़ा सा सीट की हाइट है वो थोड़ा सा ऊपर ही कहेंगे, हल्का सा ऊपर है तो उतरने चढ़ने में ऐसा नहीं होता। और ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका मीटर, ये चल चुकी है भी 7,562, 7,562 किलोमीटर। और पीछे की सीटिंग मैं आपको बताऊं अगर रियर में, तो हाँ अंडर थाई सपोर्ट कम है, जिस हिसाब से है कम है अंडर थाई सपोर्ट, लेकिन मैं अभी इससे ना फैमिली के साथ में ही मान लो गए थे हम, तो जैसे मैं 1700-1800 किलोमीटर का ट्रिप करके आया हूँ, होम टाउन वगैरह गया था, तो उधर तो ऐसा कोई दिक्कत हुई नहीं कि नई सीटिंग में कोई प्रॉब्लम हो, आराम से बैठ जाते हैं कोई नहीं। हाँ थोड़ा और आरामदायक होता तो अच्छा होता, लेकिन ऐसे तो फिर कोई भी गाड़ी हो, हर गाड़ी में कभी वो पूरा नहीं होता कि थोड़ा और आराम होता तो ज़्यादा बढ़िया था। हाँ ये इसका बूट है, बूट भी थोड़ा कम है, पर बूट का यूज है नहीं, मेरे पास भी कोई ज़्यादा यूज नहीं होता, ऑलमोस्ट खाली रहता है बूट, और मैं अकेला ही चलता हूँ मोस्टली। अगर ये 7,000 किलोमीटर 7,500 किलोमीटर चली है तो इसमें से 7,000 मैंने ही चलाई है, इतना है, और अकेले ही। केवल ये जो ट्रिप 1700-1800 किलोमीटर की मैं अभी करके आया रिसेंटली, उसमें ज़रूर ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि लोग हैं, वरना मैं अकेला ही सिंगल ही जाता हूँ और कोई नहीं है। अब इसकी बात करते हैं इंजन की, तो इंजन तो बहुत बेहतरीन है अगर हम इंजन के हिसाब से देखते हैं, तो ये मतलब बहुत ही बढ़िया इंजन है 1.2 में। और मारुति का इंजन तो वैसे भी इंजन के बारे में कोई बात ही क्या करनी, बहुत बढ़िया है। देखिए आप इंजन इसका, आप देखो इंजन बढ़िया, इंजन में कोई कमी नहीं है, अच्छी पावर, जब आपको नीड होती है पावर की, चाहे ओवरटेकिंग हो या वैसे हो,
तब ये पावर आपको देता है। आप जब भी एक्सीलेटर पे पैर रखेंगे ये रिस्पॉन्स करेगा। इंजन इतना बढ़िया है। बिल्ड क्वालिटी की कहें तो हाँ है थोड़ा सा, ये देखो ये कहीं से थोड़ा सा नीचे पत्थर लग गया था, इस वजह से ये मुड़ गया है और ये निकल गया है। तो बिल्ड क्वालिटी तो है थोड़ा सा इशू, लेकिन कुछ नहीं कर सकते बिल्ड क्वालिटी का जो है वो है। लेकिन इंजन इसका बहुत बढ़िया है। और अब देखो एवरेज मैं इससे कितनी निकाल रहा हूँ, अभी इसकी दो ही सर्विस हुई है। एक वो सर्विस ही क्या, वो तो केवल एक तरह से इंस्पेक्शन ही, इंस्पेक्शन करते हैं, केवल चेक करते हैं क्या है क्या नहीं, और कुछ नहीं। वो तो केवल एक बार बस वॉश करके दे देते हैं गाड़ी। ये देखो 21.2, ये मैं ओवरऑल जो माइलेज है ये शो हो रहा है MID में। और मैंने इसका टैंक टू टैंक करके देखा है तो वो दो का डिफरेंस, दो का भी नहीं होता, ये एक और दो के बीच में डिफरेंस रहता है जो रियल होता है टैंक टू टैंक। अब यहाँ अगर 21.2 है तो वो लगभग रियल में अगर हम कहें तो वो आ रहा होगा आपका 20 या 20 से थोड़ा कम इतना। हाईवे पे इसने मुझे MID में कभी कभी 24 भी शो किया है, लेकिन अगर मैं 80 की स्पीड मेंटेन करता हूँ तब, अगर मैंने 100 या 100 से प्लस इसको खींचा है तो इंजन ने एवरेज नहीं दिया। क्योंकि ये मैं भी समझता हूँ कि ये गाड़ी जो है वो सिटी के लिए ही बनाई गई है, हाईवे के लिए नहीं बनाई गई। तो हाईवे पे ज़रूर इसमें ऐसा लगता है कि आप 100 तक ले जाओगे, RPM 3000 के आसपास पहुँच जाता है फिफ्थ गियर में भी, तो वो फिर गाड़ी माइलेज देगी नहीं। वैसे भी 80 पे अगर मेंटेन करते हैं तो 23-24 तक का शो होता है इसमें MID में। और हैवी पे ज़रूर इसमें छठवें गियर की नीड होती है। गियर इतना स्मूथ है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब, वैसे बहुत स्मूथ एकदम, आपको पता ही नहीं कब कैसे, कोई से भी गियर में आप हो, कोई वो नहीं है कि गियर कहीं अटकता है या रुकता है, कहीं नहीं। बहुत बढ़िया गियर शिफ्टिंग, बहुत एकदम स्मूथ है। अब थोड़ा प्रैक्टिकलिटी देखें तो यहाँ तो आ जाता है 1 लीटर का बॉटल, और भी कुछ सामान जो रखना है वो आ जाता है। उस साइड डोर में भी को ड्राइवर, तो वहाँ पे भी कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ आप देखो ये छोटा आधा लीटर का बॉटल ही इसमें फिट बैठता है, 1 लीटर का बॉटल फिट बैठता ही नहीं है। और इसमें थोड़ा सा अगर स्पेस और भी साइड में, जैसे यहाँ इसके साइड में खाली है, यहाँ बना देते शायद कुछ और कुछ रखने के लिए, या बॉटल का थोड़ा सा बड़ा कि 1 लीटर की बॉटल बैठ जाए आराम से, ऐसा नहीं। तो और ये आपका जेटा, इसका ये जेटा मॉडल है, वेरिएंट है, तो जेटा में आप फीचर सभी आ जाते हैं। फीचर के मामले में केवल अगर मैं कहूँ तो टॉप में इसका एक तो प्रोजेक्टर, इसमें प्रोजेक्टर नहीं होते, उसमें प्रोजेक्टर है, और सीट हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ये दो जो हैं जो कि उसमें भी आते हैं, लगता है कि हाँ ये टॉप में है, अल्फा में है। बाकी इसमें जीटा में सारा है जो कि होना चाहिए बेसिक। इसका सबसे मुझे अच्छा जो फीचर लगता है वो है कीलेस एंट्री, कुछ अभी